Press the bell icon for all updates from Khabri Hindustan. दुनिया का पहला तीन रियर कैमरे वाला स्मार्टफोन आने वाला है। इस स्मार्टफोन को हुआई लेकर आने वाली है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन की दो वीडियो भी जारी किए हैं। इस स्मार्टफोन से पूरी तरह 27 मार्च को पर्दा उठेगा। कंपनी की तरफ से जारी किए गए टीजर में हुआई P20 के कैमरे की तुलना DSLR कैमरे से की गई है। फोन के कैमरे की क्वालिटी की बात करें तो इसके एक वीडियो में दिखाया गया है कि कैमरे की पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ब्राइट है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनमें से एक कैमरा काफ़ी ज़्यादा मेगापिक्सल वाला हो सकता है जो अच्छी फ़ोटो लेगा। वहीं इसमें एक और बड़ा अपडेट मिल सकता है कि इसका कैमरा लो अपर्चर के साथ मिलेगा जिससे कम रोशनी में भी अच्छी फ़ोटोज ली जा सकेगी। जब लुक्स की बात करते हैं, लीक हुई फ़ोटो को देखने से पता चलता है कि फ़ोन के टॉप में बिल्कुल आईफोन X जैसी डिस्प्ले मिलने वाली है। इसके अलावा इसके फ्रंट में टॉप पर स्पीकर के साथ ही फ्रंट कैमरा देखा जा सकता है। इसकी डिस्प्ले और एडवांस कैमरे को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें फेस अनलॉक ID मिल सकती है, मतलब इस फोन का लॉक चेहरा देखकर ही खुल जाएगा। लीक इमेज के मुताबिक इसके फ्रंट में होम बटन भी दिखाई दे रहा है जो डिस्प्ले के बॉटम में दिया गया है। इसके बैक पैनल पर तीन कैमरे भी देखे जा सकते हैं। लुक फोटो में इसके बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिख रहा है। हुआई P20 तीन वेरियंट में आ सकते हैं, वह होंगे P20, P20 लाइट और P20 प्रो। इसके कलर्स की बात करें तो यह तीन कलर ब्लू, ब्लैक और ट्वाइन लाइट में आ सकता है। वहीं एक दूसरी वेबसाइट के मुताबिक P20 ब्लैक, ब्लू और पिंक गोल्ड कलर में है। वहीं P20 लाइट ब्लैक, ब्लू और पिंक कलर में मिल सकता है। वहीं इसकी कीमत की बात करें तो भारत में इसकी कीमत करीब 72,000 रुपये के करीब हो सकती है।